नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और हमेशा की तरह आज फिर अक्षय ऊर्जा में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारी। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को लेकर, और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज श्री सुरेंद्र रैना जी हैं, जनरल मैनेजर NTPC। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे दूसरे खास मेहमान हैं श्री अतुल भार्गव जी, जनरल मैनेजर CEL। बहुत स्वागत है आपका भी दोनों का खास कार्यक्रम में। हमारे दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निवेश है। तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और तीव्र शहरीकरण तथा मशीनीकृत कृषि के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक दोहन से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं का समाधान अक्षय ऊर्जा के प्रयोग से ही संभव है। ऊर्जा का अनंत स्रोत सूर्य भारतीय संस्कृति में पूजनीय और जीवनदायी रहा है। हमारे देश के अधिकांश भागों में लगभग 300 दिनों तक अच्छी धूप मिलती है और भूमि क्षेत्र पर औसत सौर विकिरण प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति स्क्वायर मीटर के बीच है। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। आमतौर पर सौर सेल के नाम से ज्ञात प्रकाश वोल्टीय सेलों का उपयोग प्रकाश को बिजली में बदलने के लिए किया जाता है। अनेक सौर सेलों को मिलाकर एक सौर प्रकाश वोल्टीय मॉड्यूल बनाया जाता है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसे देश में प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के विकास का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष 1977 में CEL द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित सौर सेल और मॉड्यूल विकसित किया गया। अब CEL सोलर फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल और प्रणालियों के क्षेत्र में अग्रगामी निर्माताओं में प्रमुख स्थान बनाए हुए है। 4 दशक से अधिक के अनुसंधान एवं सतत प्रयासों के माध्यम से CEL ने एक प्रयोगशाला अवधारणा को औद्योगिक प्रौद्योगिकी में बदल दिया है। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वचालित सौर विद्युत मॉड्यूल उत्पादन प्लांट का उद्घाटन माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया। इससे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मिलेगी। देश की सबसे बड़ी ताप बिजली उत्पादक कंपनी NTPC द्वारा भी अब सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कंपनी द्वारा 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो भारत सरकार की 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में सहायक होगा। आज हमारा देश दुनिया के सबसे सक्रिय और आशाजनक अक्षय ऊर्जा उत्पादक देशों में अग्रणी है और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। तो दर्शकों, अक्षय ऊर्जा से जुड़ी आपने ये लघु फिल्म देखी, आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जाननी बाकी हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। रैना साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी। सौर ऊर्जा निश्चित तौर पर कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, लेकिन देश में जलवायु विविधता को देखते हुए इसकी क्या संभावना है? सौर ऊर्जा जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे कार्बन एमिशन इससे कम होता है, अंत में इसका जो है ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट आएगा। और इसका देश में अभी 60% ज़्यादा प्रतिशत जो है वो कोले से बनता है। अगर इसकी तहत सौर ऊर्जा करते जाएंगे तो ग्रीन पावर ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही कार्बन एमिशन कम होता जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा अभी भी महंगी और सहज न प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, ऐसा क्यों? इस बारे में मार्केट में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि सौर ऊर्जा बहुत महंगी है। अगर जो देखा जाए तो आज की तारीख में सौर ऊर्जा का रेट जो आ चुका है वो 4.63 रुपये पर यूनिट आ चुका है, जो जिस रेट पर हम अपने घर की बिजली का पेमेंट करते हैं वो करीब 7 से 8 रुपये पर यूनिट पड़ता है, तो उससे बहुत कम है जी। और दूसरा
इसमें एक ये भी कि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोत्साहन करने की योजनाएं हैं, सरकार इसमें सहायता भी देती है, 30% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। इरेडा एक एजेंसी है जो रिड्यूस रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी, और कमर्शियल बैंक्स के साथ भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं कि एक रिड्यूस रेट पर लोन मिल जाए। और उसके बाद जैसे जिनको घर में छोटे छोटे प्लांट लगाने हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के, उनको एक ईएमआई की तरह बन जाए। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो आपको ये देखना होता है कि आप सौर ऊर्जा की जब बात करते हैं तो आपने जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार जो खर्च कर दिया, वो आपको 25 साल तक के लिए है जी। 25 साल तक आपका ना रेट बढ़ेगा, और जो कन्वेंशनल पावर है जो आप आजकल खरीदते हैं उसमें आप अगर जो आप देखें तो करीब करीब 3-5% का इंक्रीज़ होता रहता है हर साल। तो जो आज आपको 7 रुपये है, हो सकता है 25 साल बाद आप उसका 14 रुपये पे करें, लेकिन सौर ऊर्जा में जो आज 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 63 रुपये या 5 रुपये भी मान लें, वो 5 रुपये ही रहेगा 25 साल बाद भी। आपसे भी जानना चाहूँगी रैना साहब, यहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन को लेकर NTPC की क्या कुछ योजनाएँ हैं, क्या कुछ प्लान है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। NTPC पिछले 2-3 साल से काफ़ी उत्सव है सौर ऊर्जा करने में जी। 8 प्लांट हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं जिसका टोटल कैपेसिटी क्यूमुलेटिव 110 मेगावाट है। इसमें से 6 प्लांट तो हमने अपने एग्जिस्टिंग स्टेशंस पे लगाए हैं, 2 ग्रीन फील्ड पे लगाए हैं, और मिनिमम साइज ऑफ प्लांट हमने 5 मेगावाट लगाए हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 मेगावाट का है जी। लेकिन अभी NTPC जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 गीगावाट का प्लान बनाया है सोलर का, उसमें से 40,000 रूफ टॉप से बनना है, 60,000 जो है ग्राउंड माउंटेड से बनना है। तो NTPC ने भी ये निश्चय लिया है कि हम 10,000 मेगावाट ग्रीन कमिटमेंट हमने दिया है कि हम 10,000 मेगावाट करेंगे ग्राउंड माउंटेड से, और उसके तहत हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, स्टेट से बात कर ली है, लैंड कर लिया है, 250 मेगावाट हमने अवार्ड कर दिया है, AP में बना रहे हैं जी। और NTPC वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट 1,000 मेगावाट AP में बना रहा है जिसका 250 अवार्ड कर दिया है, और 750 हमारा ऑलरेडी टेंडर में है। इसके अलावा भी हमारा 510 मेगावाट जो है वो और मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑलरेडी टेंडरिंग में है, 260 और 250। इसके अलावा बाकी स्टेट से बात हो रही है, वो जो कि कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, एवरीवेयर हम बात कर रहे हैं। सोलर पैनल्स को लेकर क्या कुछ शोध कार्य CEL के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। CEL देखिए, CEL भारत की सबसे पुरानी सौर ऊर्जा की कंपनी है। हमने सोलर सेल 1974 में बनाना शुरू किया था, उसके बाद से हम लगातार शोध कार्य करते रहे। 1974 में सोलर सेल बनाना शुरू किया, उस समय हम संसार की चौथी कंपनी थे। उसके बाद 1978 में सबसे पहला सोलर पैनल इंडिया का हमने बनाया, 1992 में सबसे पहला सोलर पावर प्लांट इंडिया का CEL ने बनाया। तब से हम लगातार शोध कार्य करते जा रहे हैं। और जहाँ तक इसकी कीमत कम करने का बात है, तो अगर जो आप देखें तो 2010 में जो सोलर पावर प्लांट लगते थे उस समय जो जिस रेट पर बिजली सेल होती थी सौर ऊर्जा 17 रुपये था जी। आज की रेट में जैसे रैना साहब ने बताया 4 रुपये 63 पैसे ऑलरेडी हो चुका है। इसको आज की जो करंट टेक्नोलॉजी है, जो आज की टेक्नोलॉजी का लेवल है, सो ये इसकी लिमिट पहुंच चुकी है। अब हम जो नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जैसे हम HIT टेक्नोलॉजी के सोलर मॉड्यूल बना रहे हैं, IBC टेक्नोलॉजी के सोलर मॉड्यूल बना रहे हैं, इससे जो करंट लेवल, जो आज की एफिशिएंसी लेवल है 17.5% है जो CEL ने अचीव किया हुआ है, दुनिया में भी यही है, इससे हम इसकी एफिशिएंसी 22% तक ले जाएंगे। और CEL में इसके अलावा जो हमारी CSIR की लेबोरेटरीज़ हैं उसमें जो शोध कार्य चल रहा है उसकी एफिशिएंसी को 40% तक ले जाने के लिए चल रहा है। इसमें अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है, जो ये हमारी जो शोध में जो चल रहा है कि हम हर साल 5-10% सोलर पावर की कॉस्ट को हम कर पाएं, ऐसा शोध कार्य चल रहा है। रैना साहब, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर आपसे बात की है कि क्या कुछ प्लान है NTPC का सोलर को लेकर, उत्पादन को लेकर, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ रहा होगा, तो कौन कौन सी वो मुश्किलें हैं और उनको दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? मुश्किलें ये हैं कि इसमें लैंड 5 एकड़ पर मेगावाट चाहिए जी, और ये रिमोट लोकेशंस में होते हैं, नॉन फर्टाइल लैंड पर चलते हैं। पावर इक्वेशन उसके साथ होना चाहिए, कनेक्टिविटी, सो दैट के पावर ग्रिड को उसमें ग्रिड में जाए। ये डिफ़िकल्टी हमारी सारी थी। इसमें और भी हैं कि जो इसका
क्यूमुलेटिव यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है जिसको PLF बोलते हैं 17-20% के डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में लगाना है, ये भी एक है। और इसका इम्पॉर्टेंट जैसा कि अप फ्रंट पे कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है जी। ये सारी चीज़ें को हमने मद्देनजर, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने भी कुछ 25 सोलर पार्क निश्चित किया कंट्री में, तो उसके उस पार्क सोलर पार्क के तहत उन्होंने पॉलिसी में ये लगाया कि लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, कनेक्टिविटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो डेवलपर जो है वो सिर्फ आप प्लांट लगा दीजिएगा। तो ये इसके तहत जो 10,000 मैंने आपको बोला कि हम लगा रहे हैं, इसके अलावा मैंने जो MNRE की स्कीम थी कि 15,000 मेगावाट उनके बिहार पे बनना था, उसमें भी NTPC को उन्होंने नोडल एजेंसी बना दिया और नोडल एजेंसी के दिए कि हम पावर खरीद रहे हैं और पावर बेच रहे हैं। और इसकी ये स्कीम के तहत 3 ट्रांचे में बन रही है, एक 3,000 मेगावाट पहला ट्रांचे है, दूसरा 5,000 मेगावाट, तीसरा 7,000 मेगावाट, टोटल 15,000 है। इस 3,000 में से भी हमने 2750 मेगावाट की टेंडरिंग कर दी है, उसी में वो बिड जो बोल रहे थे 4.63 रुपये, हमने उसको 4.63 रुपये रेट आ गया है जो कि बिजली हमको देंगे, उसी को हम आगे स्टेट्स को दे देंगे और उसमें 7 पैसा NTPC जोड़ेगी और 4.70 रुपये वो मिली जाएगी जी। इन मुश्किलों को हमने रखते हुए कि लैंड अगर हो जाए, नॉन फर्टाइल लैंड इस कंट्री में बहुत है, 5% वेस्ट लैंड लेंगे तो बहुत लैंड है, इस लैंड पे ही बनता है। पेमेंट जो है जिनके साथ आप पेमेंट लेंगे, डिस्कॉम हैं, उनके फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होने चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। उन्होंने उसमें एक उदय करके एक स्कीम अभी निकाली है हाल में, उज्ज्वल वाला, तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाए कि आप उसको बैकअप करिए। ये सारे साइड से इसमें ग्रीन कॉरिडोर भी बन रहे हैं, जो रिमोट लोकेशंस में प्लांट हैं इसमें ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसको कि प्लांटों को उस ग्रीन कॉरिडोर उस पावर ग्रिड से जोड़ा जाए और ग्रिड में चला जाए जी। क्योंकि कि वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में हैं, इसके तहत क्या है कि सारे साइड से ग्रिड पैरिटी भी है। अभी जो इन्होंने आपने बोला कि आपको उसमें इतना कॉस्ट था, अब इतना कॉस्ट आ गया, तो थर्मल के बराबर ही कॉस्ट अभी आने का है, ऑलमोस्ट आ गया है 4.5-4.63 रुपये, इससे और बढ़ावा मिलेगा। एक और समस्या सामने आती है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भार्गव साहब, कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की कमी है, तो ऐसे में CEL का क्या योगदान है? पिछले 10 साल से हम लोग लगातार कोर्सेज चला रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ दो तरह के कोर्सेज रन होते हैं, एक 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हम 3 महीने थियोरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं। हम बहुत बड़ा बैच नहीं लेते हैं, हम करीब 50 लोगों का बैच लेते हैं हर 6 महीने। इसमें से जो लोग निकलते हैं, एक तो उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है, दूसरा ये है कि वो लोग डायरेक्टली पावर प्लांट्स पे जाके काम कर सकते हैं जी। अब हम आगे हमारा जो प्लान है, हम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जिसमें नंबर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर, तो आगे भी हम मतलब हमारा प्लान ये है कि हम कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार लोगों को हर साल में ट्रेन करें। रैना साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी सोलर एनर्जी के क्षेत्र को लेकर कि NTPC कौन कौन से मॉडल अपना रहा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो ग्रीन कमिटमेंट है उसमें हमने मॉडल ये अडॉप्ट किया कि हम EPC रूट पे जाते हैं जी, कि हम पूरा स्पेसिफिकेशन वो सारा बना देते हैं प्लांट का क्या होना चाहिए, तो जितने EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं हम बोलते हैं उनको कि आप कोट करिएगा ऑन EPC बेसिस टोटल, और वो EPC कॉन्ट्रैक्ट कोट करता है जो उसका कॉस्ट आता है, उसके बाद हम अपने चार्जेस जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंट ये कंटिजेंसी ये लगा के हम एक टैरिफ निकालते हैं जी। ये सारा 10,000 तो उसी पर रूट पे है। जो हम 15,000 मेगावाट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, वो डेवलपर मोड पे है, वो टैरिफ फेस बिडिंग पे है, तो उसमें ये है कि लोगों को हम उस या तो सोलर पार्क है जिसमें लैंड और कनेक्टिविटी स्टेट गवर्नमेंट देता है, या नॉन सोलर पार्क है उसमें उनको लैंड भी ढूंढना है और कनेक्टिविटी भी लेना है, ये दोनों मॉडल पे हम उनको बोलते हैं कि आप कोट करिएगा, हमको टैरिफ बताइए कितने पैसे पे बिजली देंगे जी। फाइनेंस उनका है, लोकेशन हम देते हैं या वो करते हैं, लेकिन प्लांट उनका है, ओनरशिप उनकी है, वो हमको बिजली बेचते हैं,
हम आगे बिजली आगे दे देंगे अपने वाले में। हम जो 10,000 में उसमें तो हम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, प्लांट ओनिंग एनटीपीसी का है वो हमारे कैपेसिटी एडिशन में जाता है। ये दोनों मॉडल हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। रैना जी, भार्गव जी, लगातार आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर हमारे दर्शकों को। हमारे साथ आज कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो अब बारी स्टूडेंट्स की। अभी तक कोयला आधारित सबसे बड़ा बिजली उत्पाद रहा है, तो NTPC सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कब तक बनेगा? डेवलपमेंट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कब तक? अभी तो आपने 10,000 का प्लान दिया है, 10,000 भी बहुत बड़ा प्लान है वो, तो अगले 5-6 साल में हम 10,000 का प्लान बना देंगे। काम चल रहा है इसके ऊपर, बहुत जल्दी हम बना लेंगे। जैसे मैं सौर्य ऊर्जा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी क्या संभावनाएं हैं और आगे क्या स्कोप होगा? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं तो आजकल आप अखबारों में पढ़ती रहती होंगी, बहुत हैं। और इसके लिए CL प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देता है, तो आप मतलब आप किसी भी एरिया में जा सकती हैं, आप सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इन टेक्निकल में भी जा सकती हैं। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ CL में कोर्स होता है, हर 6 महीने होता है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकती हैं, उसमें हो सकता है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर होता है। अभी थोड़ी समस्या ये है कि ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एक प्रोफेशनल कोर्स कहीं से करना पड़ेगा, उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड इन दिस एरिया। और अब बारी अक्षय ऊर्जा से जुड़ी सफलता की कहानी की। सन इज द इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज द ओनली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी अवेलेबल। Let's meet Mr. Shyam, who has developed some unique products using solar power. This is the success story of a young entrepreneur, Shyam. The story can be started from the institute where he was given all the moral support and the working area to fulfill his long cherished dreams. Kandare Institute for Social Visionary is an institution which helps young entrepreneurs to overcome their difficulties and hopes for a better tomorrow. Have you ever dreamt of a water pump without using electricity? This is such an interesting innovation. So Shyam, can you explain the working conditions and all of this product? Main innovation in this project is it avoids use of land, and solar panels are placed in water, preventing evaporation of water from the pond. And another advantage is it's not using any batteries and no storage is required. It can be used in remote areas where there is no electric lines, where there is no availability of diesel or petrol. So it's ideal for the country where millions of people are not getting electricity or there is no electrical connection in farms and fields. The government of India is heavily subsidizing this, and as a part of the MNRE programs, we will be getting it subsidized. The last in line is a unique product which taps both wind energy and solar energy. Here comes the wind solar hybrid system. We can use this in coastal areas, we can use this in hilly areas where there is enough wind, and it can effectively solve our energy issues. The same wind solar hybrid system can be used for street lighting in our coastal areas. India got a long coastal line, and we can effectively use this system to give lighting in the coastal areas, in beaches, and it can definitely add value to ecotourism sector in India. Another unique product developed by this young entrepreneur is a cycle that could run on solar power, and Shyam will say more about this cycle. Okay, main parts of the cycle are solar panels. These are flexible solar panels, then a hub motor and the accelerator and a battery bank. Power from the solar panel is fed into the battery here through a controller, and the power from the battery is again controlled by the controller, and it's fed into the motor, that's hub motor. When we turn the accelerator, we have to switch on this, and when we turn the accelerator, the motor will start rotating. This is how it works. And this system can be adapted to existing electric cycles also. And we are going to develop a new system with a collapsible solar panel on the top, so that it will not affect aerodynamics. And the impact of the system is if 5,000 students are avoiding their motorbikes, and if they are using this cycle to go to the hostel, which is 3 kilometers away from their college, then they will save 1 lakh liters of
gasoline or petrol every year. This is a solar bamboo reading lamp. It's eco-friendly and uses solar energy as the source of power. This bamboo reading lamp is powered from solar panel, and the main parts of the bamboo solar reading light is coconut shell, a bamboo based body, battery inside, then switch and a socket for charging. The optical source is LED and power source is battery. If the students are using the lamps in their houses for studying from 6 p.m. to 10 p.m. that is during peak load time, they can help the society. Charging a mobile phone, especially when one is traveling, is a perennial issue. But here, Shyam comes out with an interesting product, a mobile charger running on solar power. So Shyam, what do you say about this product? This solar panel is much more eco-friendlier than normal solar panels because its body is not plastic or aluminium, it's made from bamboo plywood. This solar panel is converting light energy into electrical energy and it's fed into the mobile. By converting the 8 or 10 volt available in the solar panel to 5 volt. What this young man has shown us is a possibility to conserve energy and at the same time develop innovative solutions to our daily requirements. सुरेंद्र रैना जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है आज अक्षय ऊर्जा में सोलर एनर्जी को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल भार्गव जी, आप आए और आपने भी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, एनटीपीसी ने अभी तक कितने सोलर प्लांट लगाए हैं? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है akshayurja.ddk@gmail.com। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे अक्षय ऊर्जा में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।